हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 3 ईयर बेबी के लिए शरारा ड्रेस बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और इसी के साथ नेट फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शरारा की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह के 2 पीसेस लिए हैं। इसकी लेंथ हमने ली है 13 इंचिस और इसकी चौड़ाई हमने लिया है 20 इंचिस। अब ये दोनों पीस को हम इस तरह टू फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होगी 9.5 इंचिस। अब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह 2 इंच मार्क करने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम आसन की लेंथ लेंगे। आसन की लेंथ हमने 7 इंचिस लिया है। इस तरफ भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब खुली वाली साइड से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। नीचे की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचिस और इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह 2 पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट के नीचे की बॉर्डर पे रफल अटैच करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह के 2 पीस लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 10 इंचिस और लेंथ हमने लिया है 28 इंचिस। और ऊपर की बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों पीस में इस तरह हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पीस में हमने ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करेंगे और इस तरह धागे को खींच के इस तरह की गैदरिंग हम बनाएंगे दोनों स्ट्रिप में। इस तरह हमने रफल रेडी कर लिया है। अब इस रफल को पेंट के दोनों तरफ हमें अटैच करना है। इस तरह रफल को उल्टा रखते हुए इस तरह दूसरे लेग पे भी हमें रफल को इस तरह उल्टा रख के इस बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। दोनों रफल को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लेस ली है। इस लेस को इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। इस तरह की लेस हमने अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को हमें मिलाना है। वन साइड हमें आसन में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की तरफ हमें इस बॉर्डर को फोल्ड करना है। इस तरह 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक पास करेंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंचिस और इस इलास्टिक की लेंथ हमने लिया है 18 इंचिस।
इसे सेफ्टी पिन से पिन अप कर लेंगे और इस होल में से हमें इस इलास्टिक को पास करना है। यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। इस तरह दोनों तरफ हमें इलास्टिक को पास करके सिलाई लगा देनी है और सेंटर में इस इलास्टिक को खींच के सिलाई लगाएंगे। अब साइड वाले दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें आसन की सिलाई लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा दी है। अब आसन वाला पोर्शन सेंटर में करेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और नीचे से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तरह हमने यह शरारा की कटिंग और स्टिचिंग हमने कर ली है। अब हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। कुर्ती का टॉप पार्ट हम कट करेंगे। इसके लिए इस तरह के दो लेयर हमने लिए हैं। इसकी लेंथ हमने ली है 10 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 15 इंचेस। दोनों लेयर को इस तरह टू फोल्ड करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस। टॉप पार्ट की लेंथ है 10 इंचेस। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस और मार्क कर लेंगे। चेस्ट की विड्थ हम लेंगे 7.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की विड्थ हम लेंगे 6.5 इंचेस। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लेंथ लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई 2 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक हम कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक लिया है। इसे हम टू फोल्ड करेंगे। इस तरह टू फोल्ड करने के बाद एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम कमर की विड्थ लेंगे। इसके लिए हम टॉप पार्ट को लेंगे और इसे टू फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखेंगे। दोनों तरफ मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे।
बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 9 इंचेस। इस तरह राउंड शेप में हमें 9 इंचेस मार्क करते जाना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद दोनों लाइन को कट करेंगे। इसे ओपन करेंगे और दोनों तरफ फोल्डिंग है इसे भी हम कट कर लेंगे ताकि हमें दो लेयर मिल सके फ्रंट और बैक के लिए। अब हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट लिया है। इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए हमने क्रॉस में कटी हुई 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसे नेक पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों स्ट्रिप को इसी तरह हमें अटैच करना है। तो ये देखिए हमने फ्रंट और बैक का नेक रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। इस के ऊपर हम इस लेस को अटैच करने वाले हैं। तो वन साइड इस तरह शोल्डर से लेके नेक के सेंटर तक इसे हमें अटैच करना है। इस तरह का शेप देते हमने लेस को अटैच किया है। अब यहाँ पे मैंने नेट ली है जिसकी चौड़ाई है 14 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 40 इंचेस। अब वन साइड के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगा के यहाँ से एक धागे को इस तरह खींच के गैदरिंग बना लेंगे। इस तरह का गैदरिंग हम बना लेंगे और इसे हम टॉप पार्ट के कमर के बॉर्डर पे अटैच करेंगे। फ्रंट का टॉप पार्ट हमने लिया है। इसके नीचे यहाँ पे हमें अटैच करना है और बाकी का नेट है वो पीछे की तरफ दुपट्टे की तरह आएगा, यहाँ से लेके नीचे आएगा। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। और शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए हमने क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे आर्म होल में अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे के बॉर्डर पे टॉप बॉटम पार्ट अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। इस तरह बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा के अटैच करना है। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब इस नेट फैब्रिक को हमें इस तरह मिलाना है। अब शोल्डर पे इस तरह रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। इसके बाद दोनों लेयर को मिलाएंगे फ्रंट और बैक पार्ट। इस तरह दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को दोनों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो ये देखिए हमने इस टॉप को इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यह नेट पार्ट इस तरह बैक में आएगा। अब नीचे की बॉर्डर पे हमें लेस अटैच करनी है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे
फ्रंट पार्ट में मोतियों से डेकोरेट किया है और नीचे की बॉर्डर पे लेस अटैच की है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर शरारा हमारा रेडी हो चुका है फॉर 3 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।